हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें आर्चिन ब्यूटी चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस होने वाली है। और आज मैं आप सभी के साथ कुछ रेमेडी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपको इसी प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ, आपके उसकी डिटेल्स के बारे में बताने वाली हूँ, और वो क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, और हमें उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, डिटेल्स में मिलेगी। तो वीडियो स्किप किए बिना ही आपको एंड तक देखना है, और वीडियो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक खूब सारा देना है, और चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी करना यार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ह्यूमन हाइजीन के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, और फीमेल हाइजीन इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स आपको मिलने वाली है, क्योंकि लेडीज़ जितनी भी लेडीज़ है या जेंट्स है, इन सभी चीज़ों को, इन दोनों को ही इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जागो पब्लिक, जागो जागो मेरे सब्सक्राइबर, प्यारे प्यारे व्यूअर, आप सभी जागो, और इस वीडियो को देखना, लाइक करना और शेयर सभी के साथ करना, क्योंकि सभी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप एक लेडीज़ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगा, और आप इस वीडियो को जेंट्स या बॉयज़ देख रहे हो तो आपके लिए भी ये वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो वाइफ होती है, आपकी बहनें होती हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हो, या इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से नॉलेज है तो आपकी लाइफ के लिए, आपकी जो फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सच्ची आज मैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है मेंस्ट्रुअल कप, और ये जब हमें पीरियड्स होती है तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तब हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसकी यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगी, और हमें इसको यूज़ ही क्यों करना है, इसी को ही, क्या हम कपड़े यूज़ नहीं कर सकते, क्या हम पैड्स यूज़ नहीं करते, क्या हम टैम्पर्स यूज़ नहीं कर सकते, क्यों हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए, क्यों? तो इन सभी चीज़ों की जितने भी सवाल आपके मन में उठ रही है, आपके दिल में उठ रही है, दिमाग में है, तो इस वीडियो से सारी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आज आपको बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप, और ये कैसा होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये होता है कुछ इस तरीके का कप है, ये चाय पीने वाला कप बिल्कुल नहीं है। जब आपको पीरियड्स होता है तब आपको इसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप पैड्स यूज़ क्यों नहीं करोगे? 3-4 घंटे बाद या 6-7 घंटे बाद आप जब उसको रिमूव करते हो तो पहले से वो जो ब्लड उस पर लग जाती है उसकी वजह से एकदम गंदी स्मेल आती है, वहाँ से आपको इन्फेक्शन होने की बहुत सारी चांसेस होती है, होता भी है, और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, जलन होती है, खुजली होती है, और आपकी जो जितनी भी प्राइवेट पार्ट्स की एरिया है एकदम क्या बोलते हैं, एकदम रेड रेड हो जाती है, एकदम क्या बोलते हैं, रैशेस पड़ जाती है, उसकी वजह से कपड़े और पैड की वजह से, और कपड़े से भी तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो ब्लड वहाँ पर रहेगा तो वहाँ से गंदी स्मेल आएगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपको जब पैड्स आप यूज़ करोगे तो पैड्स में कई तरीके का केमिकल्स होती है, तो उस केमिकल्स और ब्लड्स की जो मिक्स होती है, उन दोनों की मिक्स होने की वजह से आपकी जो वजाइनल एरिया है प्राइवेट में, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है, और उसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है आपको। इसलिए हम यूज़ करते थे, पहले भी यूज़ करते थे, क्योंकि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट्स अभी तक यहाँ आया नहीं था ना, से अभी चल रहा है, हमें भी वैसे ही चलना चाहिए, तो ये तो कोई खराबी चीज़ नहीं है। और ठीक है, पहले कपड़े यूज़ करते थे, उसके बाद पैड्स आ गए, पैड्स के बाद टैम्पोन्स आ गया, उसके बाद आ गया मेंस्ट्रुअल कप, तो सबसे बेस्ट मुझे लगा मेंस्ट्रुअल कप। कपड़े से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है, पैड से भी होता है, और टैम्पन्स को भी उसको निकाल के फेंकना पड़ता है, ख़रीदना भी पड़ता है। ठीक है, मेन बात तो ये है कि आपको जब आप ये यूज़ करोगे, ये ख़रीदोगे, तो आपको ये 10 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको फेंकना नहीं, एक बार यूज़ कर लिया, वॉश करना, रख लेना, फिर से जब पीरियड्स आएगी फिर से इसको यूज़ कर सकते हो। मगर पैड, जो पैड है, कपड़े है, ऐसा नहीं है, उसको एक बार यूज़ कर लिया, फेंक लिया, पैड्स को भी फेंक लिया, फिर दोबारा ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, तो पहले मैं बोल रही हूँ कि इसको फेंकना नहीं पड़ेगा, इसको आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो।
मगर जो पैर से उसको हमें फेंकना पड़ता है, एक बार यूज एंड थ्रो है वो, और उसको ख़रीदने से हमें बहुत सारी पैसे खर्चा करना पड़ता है। 10 साल में तो बहुत ही पैसा बन जाएगा। और उसको आपको सेविंग करना है, स्टॉप करना है, तो आपको मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर यूज़ करना है, और आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर जलन ना हो, खुजली ना हो, इन्फेक्शन ना हो, आपको कैंसर ना हो, तो उसकी सभी उन सभी बीमारियों से बचना है। आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर रखना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी एकदम सेफ रखना है, तो आपको मेंस्ट्रुअल कप लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ लेडीज़ को, मैं हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ जितनी भी नारी जाती है उन सभी को इसी चीज़ की यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार 400 समथिंग इतना कितने की है प्राइस, मगर एक बार ख़रीदने से आपकी 10 साल तक यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको क्या चाहिए ना, तो इसको लगाने से 10 साल तक आपको कोई नुकसान होगा या आपको कोई इन्फेक्शन होगा, इसको लगाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ रखेगा ये। आपको पैर से कपड़े से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलता है, तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलता। लगाने के लिए भी आसान है, मगर फर्स्ट टाइम इसको लगाने में बहुत ही ज़्यादा झिझनाहट, एकदम डर लगता है, बहुत ही किसी चीज़ नहीं लगेगी आपको सच में। अभी आप बोलोगे हाँ पैड ही ठीक है, टेम्पोन्स ठीक है या कपड़े ठीक है, ऐसे बोलोगे आप बिना यूज़ किए, मगर एक बार यूज़ जिन्होंने किया है उनको पता है इसको यूज़ करना कितना इजी है और कितनी सारे बेनिफिट्स है इसको यूज़ करने से। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने से आपको कोई जलन, खुजली, इन्फेक्शन नहीं होगी। इसकी वजह से जो बदबू आती है, जितनी भी स्मेल आती है बैड स्मेल, उसको नहीं आएगा। आपकी पैंटी में भी लगने का बिल्कुल डर नहीं है। इसको लगाकर जब आपको पीरियड्स है तभी आप स्विमिंग भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, और इसको लगाकर आप सो भी सकते हो। रात को सो जाओगे तो 12 घंटे तक इसको लगाकर आप 12 घंटे तक आपको ये सो सकते हो, मगर आपकी जो ब्लीडिंग जो है फ्लो ज़्यादा है तो आप इसको 4 से 5 घंटे में निकालते रहे, फेंकते रहे, मगर जितने आपको तो पता लगता है कि फ्लो ज़्यादा है या कम। ज़्यादा है तो 3-4 घंटे में निकाल के फेंकना पड़ेगा आपको बाथरूम में जाके, और आपको नहीं है तो इसको लगाकर थोड़ी सी फ्लो, आपकी जो ब्लीडिंग फ्लो है एकदम कम है, ठीक है, तो आप इसको 10 से 12 घंटे तक इसको लगाकर सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप सभी को इस प्रोडक्ट्स को लेना है, ख़रीदना है, अपने आप को एकदम बहुत ही अच्छा रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आपको दूर जूझना नहीं, दूर रखना है, और एक बार ख़रीद के इसको 10 साल तक यूज़ करना है तो क्यों नहीं करना यार। हमें पैसे की कीमत पता है और उसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, क्योंकि ये बाहर बहुत आसानी से नहीं मिलता है, इसको ऑनलाइन ख़रीदना पड़ता है, तो इसकी लिंक जो है, जो टाइटल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आपको क्लिक करना है, जो टाइटल के ऊपर क्लिक करना है तो नीचे लिस्ट आएगा आपको, वो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ पर आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से उस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस जगह पर पहुँच जाओगे, आप आसानी से ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, इसकी साइजेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 साइजेस होते हैं, एक होता है स्मॉल होता है, एक मीडियम होता है और एक लार्ज होती है। तो आपको इन तीनों में से कौन सी वाली साइज आपको लेना चाहिए, तो इसको लेने के लिए आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको दे देती हूँ, थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, मगर बात तो एक ही है कि आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि आप टीनेजर हो, स्मॉल साइज़ की कप आपको ख़रीदना चाहिए, ठीक है। मैरिड हो तो आपको मीडियम साइज़ का ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, और आपको जो मैरिड होने के बाद जो डिलीवरी होती है, बच्चा होता है तो उसके बाद आपको, या 30 से ऊपर हो तो आपको लार्ज साइज़ लेना है, ठीक है। तो SML होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ होता है, तो इन तीनों साइज़ में आपको चूज करना है और आपको लेना है, ठीक है। तो आपको अभी भी एकदम डाउट है यार ऐसे कैसे ऐसे होता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपकी जो होल्स होती है प्राइवेट पार्ट्स, जो वजाइनल एरिया की जो होल्स होती है ना, उस पर आपको एक फिंगर ऐड करनी है। फिंगर जब ऐड करोगे तो आपको नोज जैसा, यानी कि कुछ है अंदर, जो इतना आपके अंदर चला जाने से आप थोड़ा सा उसको किसी मास का आपको महसूस होगी, आपने किसी चीज़ को छू लिया, जैसे मास एकदम सॉफ्ट होती है तो आपने छू लिया, तो आपको सोचना इतना जाने से आपने छू लिया, तो स्मॉल चाहिए, जो टीनेजर है उनको स्मॉल साइज़ आएगी। तो जब मैरिड होने के बाद थोड़ा सा आप जब टच करोगे तो थोड़ा
थोड़ा सा इतना सा आपको ऊपर चला गया तो आपको मीडियम साइज़ का लेना है, और पूरी उंगली चली गई तो आपको लार्ज साइज़ लेना है। इसी तरीके से आप टेस्ट भी कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो, वरना आपको स्मॉल मीडियम दोनों खरीद सकते हो या मीडियम लार्ज दोनों खरीद के आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको ज़रूर चेक करना है, लगाना है। आपको ऐसे मैं दिखा दे रही हूँ, आप जब आप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, देख सकते हैं इस तरीके से, या इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करना है, थोड़ा सा इस तरीके से करके एकदम छोटा हो जाता है। तो आपको अपने पैर को थोड़ा सा चेयर के ऊपर रखना है अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से अपनी जो होल्स है यहाँ पर उसको इस तरीके से रखना है अंदर, धीरे धीरे करके इसको पुश करना है। ठीक है, इस तरीके से पुश करना है, और थोड़ा ये अंदर चला जाता है ना तो अपने आप खुल जाता है एकदम से, आपकी जो अंदर की जो होल से एकदम मिल जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी ब्लड है यहाँ पर आके गिरता है, बाहर लीक नहीं होता है, बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। और जब ये जो डंडा है ये आपकी जो लिप्स है ना, वो जो एरिया की जो लिप्स है उसके अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं निकला हुआ नहीं होना, ये बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो जब आपको 3-4 घंटे ज़्यादा फ्लो है तो 3-4 घंटे या 7-8 घंटे 12 घंटे आपके हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा सा इसको पकड़ के निकालने के लिए, बहुत ही स्लिप नहीं होगा, इसको अच्छे से निकाल सकेंगे, इसको इस तरीके से खींच के इसको निकालना है। ठीक है, इस तरीके से बाथरूम में जाना है आपको और फिर करना है इस तरीके से, फिर फेंकना है, पानी से धोना है, फिर से उसके अपने एरिया के अंदर ऐड। तो फ्रेंड्स, ये कप जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अमेजिंग है, और इसको यूज़ करने के बाद आपको और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, बहुत क्यूट सी भी इसकी जो पैकेजिंग है और डिब्बा है, और ये एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप है, और इस तरीके का एक बहुत क्यूट सा बैग इन्होंने दिया हुआ है। और इसको जब भी आपको यूज़ करोगे उसके बाद इसको इसके अंदर रखना है और इस तरीके से बैग को बंद करके इसको रख सकते, देख सकते हो कितना क्यूट और प्यारा सा बैग है सच्ची। और इसको जब भी यूज़ करना है निकाल देना है, इसको यूज़ करने से आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा दबाना है, और जब भी आपको यूज़ करना है ना तो यूज़ करने से पहले आपको गर्म पानी में इसको उबालना है, या तो आपको जो इंटीमेट वॉश होता है उसे मतलब धोकर ही उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो वो इंटीमेट वॉश आपके पास नहीं है तो आने वाले वीडियो में आपको वो ज़रूर दिखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा दबा के इसके अपने जो प्राइवेट पार्ट के होल्स के अंदर आपको पुश करना है और उसके अंदर रखना है, तो अंदर जाके खुल जाता है। और इसको जब आपको 3-4 घंटे 7-8 घंटे 12 घंटे हो जाएगा तो पुल करना है नीचे की तरफ और बाथरूम में जाके करना है। ये अच्छी तरीके से आपकी जितनी भी ब्लड है आराम से आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कवर, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मतलब ब्लड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ये 10 साल तक यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी, इफ़ेक्टिव लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें आर्चिन ब्यूटी चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है।